वेल माई डियर स्टूडेंट द कोर्स इज लेबर पॉलिसी पाकिस्तान एंड द टॉपिक इन हैंड इज डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर होता कौन है ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वर्कर या वर्कमैन या वर्कमैन उसका रिलेशनशिप एम्प्लॉयर के साथ क्या है क्या वो वेजिस पर है सैलरी पर है आइए इसको देखते हैं तो जो सिंपल डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर है उसमें ये कहा जाता है कि एम्प्लॉयर एक शख्स है या एम्प्लॉयर एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है जो कि एम्प्लॉयिज़ को हायर करता है एम्प्लॉयर जो है वो वेजेस को ऑफ़र करता है या सैलरीज़ को ऑफ़र करता है वर्कर्स को और उसके बदले में जो वर्कर हैं वो काम करते हैं या लेबर करते हैं अगर किसी वर्कर को जो रेमोनोरेशन है वो आर्स की बेसिस पे हो रही है या वो रोज़ाना की बेसिस पे हो रही है तो उसे हम वेजेस कहते हैं और अगर सैलरी उसे दी जा रही है तो इसका मतलब ये है कि वो एक ख़ास पीरियड के बाद रेमोनोरेट होता है तो माय डियर स्टूडेंट्स वेजेस आर पेड For all hours worked, including overtime, but a salary is typically not paid more for more hours worked than the minimum. My dear students, employers include everything from individuals hiring a babysitter to governments and businesses. च मेंायर मैनी थाउजेंड ऑफ इंप्लॉयीज माइड स्टूडेंट्स इन मोस्ट वेस्टर्न सोसाइटीज गवेंट्स आर द लार्जेस्ट सिंगल इंप्लॉयज बस्ट मोस्ट ऑफ द वर्क फोर्स इज इम्प्लॉयड इन स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस इन द प्राइवेट सेक्टर जो नेशनल इंडस्ट्रियलेशन कमीशन एक्ट है उसमें भी इंप्लॉयर की डेफिनेशन है और आपके साथ पहले भी डिस्कस हुई है लेकिन यहां पर हम इसका स्कोप थोड़ा सा बढ़ा के देख रहे हैं तो स्टेचुटरी डेफिनेशन जो है इसको भी रिइटरेट यहां पे करना जरूरी है तो एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट मींस एनी पर्सन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट ये इनकॉर्पोरेटेड से क्या मुराद है इनकॉरपोरेटेड से बुराद है कि उसको कॉरपोरेट स्टेटस देना कॉरपोरेट पर्सनालिटी देना ये कैसे होती है बेसिकली ये एक प्रोसेस होता है जो लॉ के ज़रिए से होता है और इसके ज़रिए से कंपनीज बनती हैं ट्रस्ट बनते हैं सोसाइटीज़ बनती हैं एन बनती हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स जो हैं वो रजिस्टर होती हैं और उनको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का जो स्टेटस है वो मिलता है जो इन कॉर्पोरेटेड बॉडीज होती हैं, ये परपेचुअल सक्सेशन रखती हैं इसके शेयर होल्डर या इंप्लॉयीज के आने जाने से इसको कोई असर नहीं पड़ता और ये वैसी की वैसी ही रहती हैं इनकी कॉमन सील होती है और ये इंडिपेंडेंट स्टेटस रखती हैं वो फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स और मेंबर्स एटसेट्रा तो बाइडी स्टूडेंट्स जो एम्प्लॉयर है इन रिलेशन टू स्टैब्लिशमेंट इसमें शामिल है कोई शख्स या ग्रुप ऑफ पीपल वो कॉरपोरेटेड इनकॉरपोरेटेड है या नहीं है और इसमें शामिल है इन लोगों का ये जो ऊपर बात की गई है इन लोगों का कोई लीगल वारिस कोई सक्सेसर कोई असाइनी जैसी भी सूरत हाल हो तो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में ये बी जो पार्ट है उसमें देखें लिखा है कि एम्प्लॉयर में शामिल हैं एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट एनी पर्सन इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट रन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट अगर कोई फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है और कोई शख्स उसको चला रहा है तो वो भी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में फॉल करता है और अगर कोई लोकल अथॉरिटी कोई डिपार्टमेंट चला रही है कोई इदारा चला रही है तो वो जो अफसर लोकल अथॉरिटी के बिहाफ पे लोगों से वहाँ पर कमा काम करवाएगा वो भी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में फॉल करता है तो माय डियर स्टूडेंट सीधी सीधी बात है कि जहाँ पर अगर कोई इंडिविजुअल शख्स है तो वो एम्प्लॉयर है कोई ग्रुप ऑफ पीपल है तो वो एम्प्लॉयर है फेडरल गवर्नमेंट है तो उसका जो नुमाइंदा जो उस इदारे को चला रहा है वो एम्प्लॉयर है कोई लोकल अथॉरिटी है तो उसका नुमाइंदा जो उस इदारे को चला रहा है वो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा जो ई e पोर्शन है एम्प्लॉयर की डेफिनेशन का वो ये कहता है के एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में शामिल हैं इन रिलेशन टू एनी अदर इस्टैब्लिशमेंट द प्रोप्राइटर ऑफ सच इस्टैब्लिशमेंट एंड एवरी डायरेक्टर मैनेजर सेक्रेटरी एजेंट और ऑफिसर और पर्सन कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर देयर ऑफ तो आप देखें कि अगर कोई डिपार्टमेंट है और कोई शख्स उसके बिहाफ पे डायरेक्टर है उस इदारे में मैनेजर है सेक्रेटरी है एजेंट है या ऑफिसर है वो सारे के सारे एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में फॉल करेंगे होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक थैंक यू वेरी मच इन डीड